आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, और इसमें बहुत सारा वेजिटेबल डाल के बना रही हूँ। इसे आप लोग रेड लेंटिल कैरोट सूप भी बोल सकते हो, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और ये हेल्दी भी है। तो इसका लिए मैंने ली हूँ 1 कप मसूर दाल। इसे धो लिया है, धो के रखी हूँ कटोरी में, और साथ में ली हूँ गाजर। गाजर 1 है, उसे भी काट लिया है छोटे छोटे करके, और ये 1 शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी काट लिया है। ये 1 टमाटर है, टमाटर को भी छोटे छोटे काट लिया है, और 1 प्याज है, और साथ में छोटे टुकड़ा नींबू है, और साथ में 2 हरा मिर्चा है। तो इसे बनाऊंगी, और आप लोग इसे चाहे तो लहसुन भी ले सकते हो, ये आप लोग का मर्जी। तो मैंने लहसुन नहीं ली हूँ। तो बनाने के लिए एक कढ़ाई बिठाई हूँ गैस में, तो इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी। आप लोग इसे ऑयल में भी बना सकते हो। तो 1 चम्मच घी डाल दिया मैंने, घी भी मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूँगी जीरा, गोटा जीरा थोड़ी डालूँगी। और अब डालूँगी प्याज, कटी हुई प्याज, और हरा मिर्चा जो मैंने काट के रखी थी 2, उसे भी डालूँगी इसी में। तो इसे मैं 1-1.5 मिनट भून लेती हूँ, इसका थोड़ी कलर चेंज कर लेती हूँ भून के। देखिए थोड़ी कलर चेंज हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, और गाजर भी डालूँगी अभी। अब इसे अच्छे से मैं 1-2 मिनट पका लेती हूँ। और अब इसमें डालूंगी टमाटर जो कट के रखी थी, 1 टमाटर, उसे भी डाल के अब इसे भी मैं 1-2 मिनट इसे भी पका लेती हूँ। और डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और थोड़ी काली मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये अच्छे से भून चुका है, अब डाल रही हूँ मसूर की दाल को मैंने। अब इसे भी अच्छे से चलाऊंगी और इसे भी भूनूंगी मैं 2-3 मिनट।
देखिए ये अच्छे से भून चुका है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। ये बड़े कप का एक कप मैंने पानी डाल दिया इसमें, और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब इसे मैं ढक के पकाऊंगी 5 मिनट। देखिए 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है ढक के, तब इसे चेक करती हूँ। देखिए अच्छे से दाल भी गल चुका है। अब इसमें आप जितना आपको पानी चाहिए उस हिसाब से डालिए। आप लोग आपको अगर गाढ़ा खाने मन है तो कम डालिए, थोड़ा पतला खाने मन है तो थोड़ी ज़्यादा पानी डालिए। तो मैंने इसमें और एक मग पानी डाल दिया है, और अब इसे मैं अच्छे से उबाल आने देती हूँ। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में और हेल्दी भी है। देखिए बहुत अच्छा से उबाल आ रहा है ये। देखिए एकदम बढ़िया से उबाल आ गया है, और ये अभी बन के रेडी है। और इसमें डाल रही हूँ एक इलायची और छोटे टुकड़े दालचीनी को मैंने कूट लिया था, उसे अब इसमें डाल रही हूँ। इसे इसका स्वाद दोगुना कर देगा, बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। और अब इसमें आप लोग हरा धनिया डाल सकते हो, तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसीलिए मैंने मान धनिया डाल दिया है थोड़ी। देखिए अभी ये बन के रेडी है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। देखिए गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें छोटे टुकड़े नींबू जो रखी थी उसका जूस मैं इसमें निकाल के डाल देती हूँ थोड़ी। इसका जूस निचोड़ के डाल दिया मैंने, इससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। देखिए ये बन के रेडी है, रेड लेंटिल कैरोट सूप। देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा रेसिपी? अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।